रामपुर थाना पुलिस ने एपी कॉलोनी के जज कॉलोनी के पास से एक युवक का शव बरामद किया। शव की शिनाख्त मनोज कुमार के रूप में कर ली गई है। वसासी नगर रोड नंबर 4 का रहने वाला था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके लड़के की हत्या की गई है। हत्या का कारण मृतक के बड़े भाई सुनील कुमार का पड़ोस के ही एक युवती से अवैध संबंध बताया जा रहा है। यह बात मृतक का बड़ा भाई खुद कह रहा है। उसका आरोप है कि 4 से 5 दिन पहले लड़की के घर वालों ने अंजाम भुगतने की उसे धमकी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ। रामपुर पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात में जुट गई है व मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कर रही है। मृतक के बड़े भाई सुनील कुमार का कहना है कि उसका पास की ही एक लड़की से लंबे समय से संबंध चल रहा था। इस बात को लेकर लड़की के परिजनों ने कुछ दिन पहले उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। सुनील ने बताया कि रविवार की शाम 7:30 बजे उसका छोटा भाई मनोज घर से अचानक गायब हो गया। घर के लोगों ने उसकी काफ़ी तलाश की पर उसका कोई अता पता नहीं चला। रात को ही 11 बजे रामपुर थाने की पुलिस को सूचना दी गई तो उसने कहा कि सुबह आइएगा तो मामला दर्ज होगा। इस पर पुलिस को कहा गया कि सभी थाने को सूचित कर दें और उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा नहीं किया गया। सुनील का कहना है कि जिस जगह से मनोज का शव बरामद किया गया उस जगह से रात को करीब 2 बजे मनोज की खोजबीन में क्रॉस किए थे पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन 5 बजे सुबह सूचना मिली कि एपी कॉलोनी इलाके के जज कॉलोनी के पास एक युवक की डेड बॉडी पड़ी है। जब मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि डेड बॉडी किसी और की नहीं मनोज की ही है। वहीं दूसरी ओर आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या संपत्ति विवाद में की गई है। इस तरह की आशंका जताने वाले लोगों का कहना है कि उसे खिला पिला कर मारा गया है क्योंकि उसके बदन पर किसी प्रकार की चोट का निशान नहीं है। रामपुर पुलिस इस मामले को प्रेम संबंध और जमीन विवाद के एंगल से जाँच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।